प्रातःकालीन सभा में उपस्थित सभी भाइयों को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की कृपा बनी रहे ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ के तरफ से है। मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कैसे हम अपने आप को बेहतर बनाएं। बेहतर बनाने के लिए ही प्रत्येक रविवार को आपको यहाँ बुलाया जाता है। मेरे मित्र, हर व्यक्ति चाहता है हम अच्छा बने, सोचता भी है, बस करता नहीं है। आप लोग भी हर दिन सोचते हैं, आज से मन लगाकर, फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे सोचते हैं, आज भर छोड़ देते हैं, कल से पक्का। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? सब भाई सोचते हैं कि कल से पक्का मन लगाकर पढ़ेंगे। अच्छा, कच्चा काहे रह जाता है? बोलिए, जब हर दिन मन बनाते हैं कि पक्का लगाएंगे तो वो कच्चा काहे रह जाता है? इसका मतलब है कि इस मन को जो गाइडलाइन करने वाली यंत्र है, मशीन है, वो हैंग कर रहा है या वाइब्रेट कर रहा है, टिक नहीं पा रहा है। इसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये नहीं जानता है कि मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति कैसी है। हर व्यक्ति जान रहा है, सब लोग जान रहे हैं कि होली में घर जाएंगे, हमारा चाचा का बेटा कमा रहा है, चाची के लिए नया साड़ी खरीद कर ले आएगा। लेकिन हम तो अभी बेरोजगार हैं, हम क्या लेकर जाएंगे? सब जान रहा है और ये भी चाहता है। ऐसा नहीं है, बेटा तो भाई बेटा है, जब तक शादी नहीं हुआ है वो तो हीरा है, शादी हो जाने के बाद भले खीरा बन जाए अलग बात है, लेकिन ये तो हीरा है। हर दिन सोचता है बाबूजी के ही कर देंगे, माँ के ही कर देंगे, भावना है। ऐसे भाई, कुछ लोग जो लोग शादीशुदा होंगे, अपने माँ बाप को प्यार करते होंगे, वो बड़ी गाली देंगे हमारा यूट्यूब पर लेक्चर सुन के। सब सोचता है, लेकिन आज क्या है कि मन में सोचते भी हैं, कर नहीं पाते हैं। और सब अपनी परिस्थितियों और परिवार के बारे में जानता है कि मेरे परिवार की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है। उसके बावजूद जिस काम के लिए आप पटना आए हो, पटना में मन नहीं लगता है। ये मन लगाने का विज्ञान कहाँ है? और क्या ये मन लगाने वाला विज्ञान है कि मेरा जीवन ऐसे ही पेंडुलम की तरह हिलते हुए कट जाएगा, कि हर दिन मन बनाएंगे कि कल से मन से पढ़ेंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आएगा। हम लोग प्रोवर्ब पढ़ा करते थे, टुमारो नेवर्स कम, आप भी पढ़े होइएगा। ये कल कभी नहीं आता है। आज कहें कि कल से मन से पढ़ेंगे, फिर कल उठेंगे मन करेगा अच्छा आज भर, फिर कहिएगा कल से मन से पढ़ेंगे, ये कल कभी नहीं आता है। तो आखिर कोई तो विज्ञान होगा। मान लीजिए मैथ कमजोर है तो बहुत सारा फॉर्मूला शिक्षक लोग दिए हैं, गाइडलाइन करते हैं तो मैथ मजबूत हो जाता है। फिजिक्स कमजोर है, फिजिक्स मजबूत हो जाता है। और तो और शरीर से दुबला पतला है, जिम में जाके एकदम बॉडी को भी मजबूत कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं? इसको मजबूत बनाने का कोई विज्ञान है या नहीं है? खोजना तो होगा। और खास करके ये युवा वर्ग को जो अपने आप को कहता है हम युवा है, लेकिन सोया रहता है 12 घंटा, इसी विज्ञान का नाम मेरे मित्र हमारे देश का अध्यात्म है। ये एक ऐसा विज्ञान, ये सारे देश में नहीं है। भले अब हम लोगों को बैठ के लगता होगा कि हम लोग अपने देश की खूब तारीफ करते हैं, नहीं, ये विज्ञान हमारे देश के पास ही है कि हम उल्टी खोपड़ी को सीधे राह पर ला सकते हैं। सीधी भाषा में आपको समझा रहे हैं, उल्टी खोपड़ी मतलब पागल नहीं, जिसका मन नहीं लगता है, जिसका मन भटक जाता है, जिसका मन उचट जाता है। आजकल कॉमन शब्द का प्रयोग करता है, पढ़े में पढ़ाई से मन उचट गया है। ये उचट कौन है? डिक्शनरी का शब्द है, अभी हम सीढ़ी पर सुन के आए हैं ये शब्द। आके भाई बैठे हैं इसी में, कहेंगे कि हमरा सुन के हमरे रगड़ रहे हैं, वो आगे आगे चढ़ रहे थे, आप पीछे कह रहे हैं हम इसलिए संडे को आए हैं ना, मेरा पढ़ाई से मन उचट गया है।
भाई नया नया शब्द का प्रयोग करते हैं। चिंता मत करिए, आपका जो मन उचट गया है वो अब लगेगा आज से। अभी तो हम लोग नट बोल्ट खोल खाल के थोड़ा साफ सुथरा करके छोड़ देंगे, ओरिजिनल मैकेनिक्स आएंगे, हाई पावर सर्विसिंग करेंगे, मन तो इतना बढ़िया लगेगा। हम लोग तो भाई जूनियर कारीगर नहीं होता है। देखिएगा गाड़ी ओड़ी बनाने जाता है तो हेड मिस्त्री अभी कहेगा कि उसको थोड़ा खोल खाल कर रेडी करो, हम आ रहे हैं। रेडी हो जाएगा, ओकरा बाद एक सर्विसिंग में तो इतना बढ़िया माइलेज उठाइएगा कि मन लगते जाएगा, कभी मन नहीं उछटेगा। ये विज्ञान हमारे पास है, ये विज्ञान ये कला हमारे देश के पास है। अब पूछिएगा ये कौन सा विज्ञान है बताइए, उसका फॉर्मूला हम याद कर लें और कल से पढ़ाई में मन मेरा लगने लगे। बस 24 अक्षर का गायत्री मंत्र। आप इस गायत्री मंत्र को शब्द समझ के करते हैं कुछ नहीं मिलता है, लेकिन भाव समझ कर करते हैं। अब भैया शब्द और भाव बताइए, आप लोग कम ज्ञानी थोड़े हैं। जितना शब्द हम लोग कहते हैं उसमें एगो प्रश्नवाचक चिन्ह, भाव और शब्द बताइए। जब आप सिनेमा देखने सिनेमा घर में जाते हो तो उस स्क्रीन पर जो सीन चलता है उसके खाली शब्द सुनते हो कि उसके भाव में डूब जाते हो? बोलिए, समझाना होगा ना, एग्जाम्पल देके कितना भाव में डूबते हो। कई बार देखिएगा कोई ऐसा इमोशनल सीन जो सिनेमा के पर्दा पर चल रहा है तो आपके आंखों में आंसू आ जाता है, आता है कि नहीं आता है? कई बार ऐसा लगता है कोई सीन ऐसा हो जिसमें जरूरी है कि विलेन को हीरो मार दे तो आप बाहर से चिल्लाने लगते हो, मार मार जैसे लगता है कि घुस के ही है मारेगा। करते हैं कि नहीं? ये भाव है, ये भाव है मेरे मित्र। कुछ लोग प्रेम भी किए होंगे, किए हैं कि नहीं? हंस रहे हैं, किए होंगे। अलग अलग चीज से, यहां प्रेम जैसे ही कहा जाता है एक जगह दिमागे कॉन्सेंट्रेट होता है। चोर के दाढ़ी में तिनका है? कोई मोबाइल से किया होगा, कोई अपनी साइकिल से, कोई बाइक से, माँ बाप से, परिवार से, समाज से, पढ़ाई से, बहुत सारा जगह। चलिए मोबाइल से सब प्यार किया है, आपका स्क्रीन टूटता है भाव कैसन बनता है एक बार याद करिए ना, कि ऊपर से गिरा मोबाइल स्क्रीन उठाए। होली में सोचे थे कपड़ा खरीदने के लिए ही तो चौपट कर दिया, बिना रंगे का रंग चढ़ा दिया। ये क्या है? भाव है, उससे इमोशनल भाव जुड़ा हुआ है, लगाव जुड़ा हुआ है, और टूटने के कारण आपका भाव लगा कि जा ही क्या हुआ। मेरे मित्र ये भाव हमारा मेडिटेशन के समय क्यों नहीं जुड़ता है? ये भाव हमारा ध्यान के समय क्यों नहीं जुड़ता है? जब हम ध्यान करने बैठते हैं कई भाई आके भैया से पूछते रहते हैं, एक को बात बार बार पूछते हैं, भैया ध्यान करने बैठते हैं मने नहीं लगता है। बेवकूफ, कहीं का मन लगाते नहीं हो तो लगेगा कहां? मन कभी घर चल जाता है, घरे है ये है तो अभी आया कहां है? घर से आया रहता तो अभी से तुम होली के छुट्टी का दिन गिनता, अभी से बैठ के गिन रहा है। अब कहिया होली है 10 के 6 के चल चले के का एक आध दिन झूठ बोल दिया जाएगा गार्जियन से। भाव, आपका मन वही कॉन्सेंट्रेट है। तो आप पूजा ध्यान करने भी बैठते हैं, मेडिटेशन करने बैठते हैं, उस समय भी आपका मन खींच के कहां जाता है? गांव जाना है होली खेलना है, गांव जाना है होली खेलना है। मेरे मित्र, जबकि अगर रियल में कई बार मनीष भैया यहां से आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाएं, रियल में आप ध्यान करने जब बैठो, मेडिटेशन करने बैठो, तो अपने इष्ट से, अपने गुरु से प्यार करना सीखो। प्यार मतलब भाव में डूब जाओ। आप में से कई भाइयों को देखते हैं कि रास्ते पर भी व्हाट्सएप चैटिंग करने जाते हैं तो आराम से इतना भाव में डूबे रहते हैं कि उस चैटिंग का जवाब दे रहे हैं, रास्ता चल रहे हैं। उनको यह भी नहीं है कि आगे से गाड़ी मार देगा कि क्या होगा, कैसे होगा, किस लेवल से होगा। मेरे मित्र, यही भाव तो चाहिए इष्ट और साधक के बीच, गुरु और शिष्य के बीच, कि जब 20 मिनट स्नान करने के बाद ध्यान करने बैठे, जब अपने आप को बाहर से फ्रेश कर ले,
तो अंदर के फ्रेशनेस के लिए इष्ट के पास, ईश्वर के पास, गुरु के पास, भगवान के पास, परमात्मा के पास बैठे अपने आप को अंदर से खाली कर दें। क्या है फिजिक्स, क्या है मैथ, क्या है घर, क्या है परिवार, क्या है अमीरी, क्या है गरीबी, सब कुछ भूल जाएं। बस एक चीज को याद रखे, हे मालिक न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे तेरी आरजू रहे। इनके भाव में डूब जाइए। और ये विज्ञान इतना ताकतवर विज्ञान है इस देश का कि एक बार आपके अंदर अगर जागृत होता है, ये कल जो टालते हैं कि कल से मन से पढ़ेंगे, ये कल आज से ही समाप्त हो जाएगा। और मन में ये भाव जगेगा कि कल के बजाय आज से ही मन से पढ़ेंगे। और ये जागृत होता है, ये भाव उठती है। इसी विज्ञान के लिए, इसी विज्ञान को आपके जीवन में उतारने के लिए प्रत्येक रविवार को हम लोग बुलाते हैं। इसी विज्ञान को जागृत बनाने के लिए कल से पीडीसी के 5 दिन का कोर्स कराएंगे हम लोग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। लड़के पूछते हैं, भैया होता क्या है, ये पीडीसी है क्या? व्यक्तित्व परिष्कार की कार्यशाला के 5 दिन का 10 क्लास। ध्यान से सुनिएगा मेरे मित्र, ये 5 दिन में सिखाया क्या जाता है, जीवन जीने की कला से लेके अध्यात्म विज्ञान तक, चलने उठने बैठने बोलने से लेके जीवन के हर परिस्थितियों में हम अपने आप को बैलेंस कैसे बनाए रखें, इसका विज्ञान सिखाया जाता है। इतना ही नहीं, घर से बाहर आए हैं हम, अपने आप को योग के माध्यम से निरोग कैसे रखें। हमारी बार बार तबीयत बिगड़ जाती है, हम जिस पढ़ाई के लिए आए हैं अगर बीच में एक बार ब्रेक होता है तो कई दिन मेरी पढ़ाई छूट जाती है। और हमारे अलग अलग एक्सपर्ट, अलग अलग विशेषज्ञ के भाई लोग आते हैं, एक व्यक्ति 10 क्लास नहीं लेता, हर व्यक्ति अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है। स्वावलंबन के बारे में बताया जाता है, आपके जीवन दर्शन के बारे में बताया जाता है, आपके माँ बाप के प्रति दायित्व आपका क्या होना चाहिए इसके बारे में बताया जाता है, आपका खान पान कैसे रहे, आहार विहार के बारे में बताया जाता है। इतना ही नहीं, आप आजकल न जाने अनर्गल संगीत सुन के अपने मन में एक तो ऑलरेडी निगेटिव हो, उस तरह के कचड़े वाले संगीत सुन के और निगेटिव हो जाते हो, उस तरह के गंदे गानों को सुनकर अपने मन को और डिप्रेशन में ले जाते हो। सिंगिंग थेरेपी के माध्यम से हम लोग सिखाते हैं कि संगीत कैसा सुनना चाहिए और संगीत का भी हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है। इतना ही नहीं, अंकुरित अन्न से अपने आप को कैसे सही रखें। विद्यार्थी जीवन में सुबह आपको भोजन नहीं मिलता, और अगर ये विद्यार्थी 12-1 बजे अगर खाना खाएगा तो ये गैस्ट्रिक की बीमारी से परेशान हो जाता है। हम लोग 5 दिन यहां ट्रेंड करते हैं कि सुबह का नाश्ता किस लेवल का होना चाहिए, जड़ी बूटियों की चाय का बेनिफिट क्या है। इतना ही नहीं, जिस भाई को जीवन में हर समय ये डर बना रहता था मेरा नौकरी होगा कि नहीं होगा, उनके अंदर आत्मविश्वास जगाया जाता है। सीधी सी भाषा में अगर समझाए तो ये 5 दिन के क्लास में अनगढ़ को सुगढ़ बनाया जाता है, भटके को राह दिखाया जाता है, साधारण परिवार से आए युवा को हुनर सिखा के बड़ा पदाधिकारी बनाने की कला सिखाया जाता है, एक लाइन में समझाए तो जवान को जवानी सिखाया जाता है। इसी का नाम पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इसी का नाम पीडीसी है। कल से स्टार्ट हो रहा है, आज फिर फॉर्म भराया जाएगा। होली के पहले बहुत सारे भाइयों ने निवेदन किया था, भैया एक बार, पिछली बार हम लोगों ने बहुत सारे भाइयों का फॉर्म नहीं भरवाया, पौने 200 लड़के थे, यहां योग कराने में दिक्कत होने लगा। हम आज निवेदन करेंगे उन सभी भाइयों से जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहते हैं, शांति पाठ के बाद आप आज फॉर्म भरे और 5 दिन लगातार आप पीडीसी करके देखिए। आपके मन में एक ऐसा, आपके अंदर ही बैठा हुआ एक ऐसा सही राह दिखाने वाला व्यक्ति, सही राह का बोध कराने वाले अंदर का इंस्टीट्यूशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस जगेगा कि आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम लोग भी जब आए थे इसी छोटे से कमरे से पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स किए थे, जब तक पीडीसी नहीं किए थे लगता था पापा जी कहे हैं कि पढ़ना है इसलिए पढ़ते थे, पापा कह के भेजे हैं कि पढ़ना है तो पढ़ते थे। 5 दिन का जब 10 क्लास हुआ तब मन में यह भाव हुआ कि नहीं, पापा कहे हैं इसलिए नहीं पढ़ना है, मेरी स्वयं की जिम्मेवारी है कि पढ़ाई करना है, मैं इसी के लिए पटना आया हूं, इसलिए मुझे पढ़ना है। आज भी 90% विद्यार्थी इसलिए पढ़ रहे हैं कि गार्जियन भेजा है।
आप ईमानदारी से चेक करो कलेजा पर हाथ रख के कि आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हो कि पापा भेजे हैं तो हमको पढ़ना है। जिस दिन ये भाव जागृत हो गया कि मुझे अपने कैरियर को बनाने के लिए पढ़ना है, मुझे अपने परिवार की परिस्थितियों को सुदृढ़ बनाने के लिए पढ़ना है, उस दिन से देखिए माय रंग दे बसंती चोला आइएगा, मेहनत करने बैठ जाइएगा। मेरे मित्र, इस देश का इतिहास उठाकर पढ़िए। साधारण परिवार के बच्चों के अंदर असाधारण प्रतिभाएं हैं, वो समझ नहीं पाता है हमारे आपके मन में एक कष्ट और एक पीड़ा बैठा हुआ है। मेरे पिताजी अमीर होते तो मैं बहुत बड़ा काम करके दिखा देता। पिता की अमीरी से बेटे की प्रतिभा को कोई लेना देना नहीं है। अगर ये कोई बेटा कहता है कि मेरे पिताजी अमीर होते तो मैं बड़ा काम करके दिखाता, वो कायर है, वो कायर है। पिता के पैसे से बच्चे की प्रतिभा को कोई लेना देना नहीं है। आप कहिएगा तो भैया एग्जाम्पल से बताइए, आप ही के राष्ट्र का एक नौजवान जिसके पिता के पास कोई पैसा नहीं था, रामेश्वरम की गली का चक्कर लगाने देते, अध्यात्म में विश्वास था, ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, अपने परिवार का सम्मान करते थे, जब रोटी और दाल की अभाव आई, पैसे की जरूरत पड़ी तो पेपर भेजने तक का काम किया। कभी ये कोसा नहीं कि मेरे पिता पैसे वाले होते तो मैं बड़ा आदमी बनकर दिखाता, मेरे पिता के पास धन होता तो मैं बड़ा इंसान बनकर दिखाता, कभी नहीं कोसा। और लगातार अपने कर्म पर भरोसा करते हुए, अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए एक एक मंजिल तय किए, और आज पूरी दुनिया उनको मिसाइल मैन के नाम से जानती है, पूरी दुनिया मिसाइल मैन के नाम से जानती है। कोई और नहीं, हमारे देश के पूर्व महानतम विद्वान वैज्ञानिक, पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम जी थे।